और चलिए अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर, जिसमें ट्रेन हादसे के बाद लगातार जो है अब मदद जो है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ राशि के तौर पर घोषणा की जा चुकी है। जो लोग घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है, उस पर नजर रखी जा रही है। लेकिन हादसे में किस समय क्या हुआ वो हम आपको बताते चलें। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से बुधवार की सुबह 7:40 पर असम के गुवाहाटी के लिए रवाना होती है। देखिए कैसे ये यहां से ट्रेन की रवानगी हुई। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीडीयू जंक्शन से 2 घंटे की देरी से 8:45 पर पटना के लिए रवाना हो गई। 9:35 पर बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन को जब वो पार कर रही थी ट्रेन, तभी हादसे का शिकार हुई। हालांकि हादसे के पीछे वजह क्या रही ये तो जांच का विषय है। अधिकारी से लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जो भी अगर इसमें किसी तरह की कोई खामी रही, तकनीकी खामी हो या फिर इसके पीछे कोई साजिश हो, हर बिंदु पर जांच की जा रही है। तो हादसे के समय और उसके बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये 5 तस्वीरें जिसमें पहली तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिसे क्रेन के जरिए जो बोगियां गिरी हुई थी, जो डिरेल हुई थी, उन्हें हटाने का काम शुरू किया गया, गैस कटर का इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर जो है बेपटरी हुई बोगियों की, जो कि डिरेल होकर इधर उधर गिर गई थी। बक्सर में इस बड़े रेल हादसे के बाद से अब रूट को सामान्य करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इन साइड वीडियो भी ट्रेन के अंदर जो घटना के बाद किस तरीके से हालात बन गए, जो बर्थ थे वो एक दूसरे पर गिरे हुए नजर आए। इन्हीं बोगियों की खिड़कियों को तोड़कर लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाया गया।